पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोह ग्रह ग्रासैककर्मणे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निध्यासन है, श्रुति प्रमाण है। बृहदारण्यक श्रुति में कहा गया, आत्मा बरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, साधन है श्रवण मनन निध्यासन। फिर आत्मज्ञान के तीन ही अंतरंग साधन है, श्रवण मनन और तो। लेकिन वेदांत का श्रवण कैसे करना चाहिए, तो नियम क्या है? नियम नियम जानते हैं आप लोग? नियम जानते हैं? जैसे कह दिया, एक नियम विधि होती है। जैसे कह दिया ब्रीहीन अवहंती है, तो कोई चावल का पिंड बनाना है, हलवा बनाना है, लपसी बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? पहले धान को कूटो, धान को कूटना हो है ना, तो धान को जो कूटेंगे भाई कैसे कूटेंगे हैं, तो थोड़ा सा तो चाहिए, नाखून से निकालना है कि रगड़ करके निकालना है कि उखल में कूटना है, कैसे कैसे निकालना है? भूसी निकालेंगे तो चावल निकलेगा है ना, तो किसी के मन में अरे थोड़ा सा निकालना है भाई, ऐसे रगड़ लो और क्या, कहाँ से उखल लाओगे, क्या करोगे हैं। तो उसको यदि आप नखवेदन से अथवा रगड़ने से निकालोगे तो आपको पुण्य होने वाला नहीं। तो शास्त्र नियम कर दिया कि जो ब्रीहीन अवहंती, क्या कह दिया? ब्रीहीन अवहंती, ब्रीह को कूटना, चावल को कूटना पड़ेगा उखल से, नियम कर दिया। ठीक है, ठीक। इसी प्रकार से आत्मा बरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कह दिया। वेदांत का श्रवण करने से आत्मज्ञान होगा, सुन में ना। तो हम तो कैसे भी श्रवण कर लेंगे, क्या गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता है, सुन में ना। गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं, हाँ टैप रोकर लगा के सुन लेंगे, हाँ आत्मज्ञान तो हो जाएगा। वही शब्द होता है, दूसरा कोई शब्द तो है ही नहीं। शास्त्र कहता ऐसा नहीं है, तो कहते हैं गुरु मुख से आपको श्रवण करना होगा। तो सुख रहस्य उपनिषद में कहा गया, जो मैंने व्हाट्सएप में भेजा है, तो श्रवणम तो गुरु हो पूर्वम, मननम तो तदनंतरम, निधिध्यासनम इत्येतत् पूर्ण बोधस्य कारण। आपको तो गुरु मुख से श्रवण करना होगा, वो भी साधन चतुष्टय संपन्न होगा। फिर तद विज्ञानार्थम है गुरुएव अभिगच्छे, है कि नहीं? तद विज्ञानार्थम है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुएव अवगच्छे, है कि नहीं? तद विज्ञानार्थम, जो शास्त्र में आत्मा का स्वरूप बताया
उसका ज्ञान के लिए आपको श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ गुरु के पास जाना होगा, तब जाकर के आप वेदांत का श्रवण कर सकते। तो कहना है गुरु मुख से श्रवण किया जाता है, ये नियम हो गया, अन्यत्र वेदांत का श्रवण नहीं कहा गया, ठीक है, ये नियम हो गया ना। तो श्रवण क्यों करना है, हैं, और श्रवण का स्वरूप क्या है, ये सब विचार अभी आ रहा है। श्रवण का स्वरूप बता दिया 53 नंबर श्लोक में, सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय एक अद्वैत ब्रह्म में है ऐसा निश्चय करने का नाम क्या होता है, श्रवण। इसको ठीक ठीक से बुद्धि में बैठा हो कि श्रवण क्या चीज है। कब तक श्रवण करना है, जब तक आपको निश्चय नहीं हो जाए कि वेदांत का तात्पर्य तो केवल अद्वैत ब्रह्म में ही है, अन्यत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही बताएंगे उपास्तयो हेवात्र ब्रह्मशास्त्र पे चिंतिता मंजदशीकर बताएंगे, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में उपनिषद में भी बहुत सारी उपासना बताई गई कि नहीं, हाँ बहुत सारी उपासना बताई, इसलिए क्या उपासना में तात्पर्य है क्या, कर्मकांड पढ़ेंगे तो कर्म में तात्पर्य कहा गया नहीं, कर्म से मुक्ति कही गई, इसलिए कर्म में तात्पर्य है क्या, है ना, इसलिए संशय हो जाता है। क्या होता है, इसको कहते हैं प्रमाण संशय, क्या है, प्रमाण संशय अथवा असंभावना, असंभावना भी कहते हैं, ठीक है। जब तक संशय असंभावना की निवृत्ति नहीं हो जाती है, जब तक आपको निश्चय नहीं हो जाता है कि वेदांत का तात्पर्य केवल अद्वैत ब्रह्म में है, तब तक आप सुनते जाओ, श्रवण करते रहो, विचार करते रहो, हो गया। तो उसके बाद मनन है भैया, मनन, तो मनन तो बता दिया, ये भी युक्ति से, शास्त्र मूलक युक्ति से मनन करना होता है। जो आपने वेदांत श्रवण के द्वारा आपको निश्चय हुआ, क्या निश्चय हुआ, कि वेदांत का तात्पर्य एक अद्वैत ब्रह्म में है, है ना, लेकिन ये संशय होता है कि ब्रह्म अद्वैत हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो हमारे पास जो बुद्धि है, हमारे पास जो मन इंद्रियां हैं, हैं, ये तो भी सगुण को विषय कर रहा है, किसको विषय कर रहा है कि नहीं, इसलिए हमारी बुद्धि से जो दिखाई दे रहा है यही सत्य है, कि शास्त्र जो कह रहा है अद्वैत ब्रह्म है वो सत्य है, संशय है कि नहीं हो, श्रद्धा तो है शास्त्र में, लेकिन पूर्वकालीन जो अनादि काल से संस्कार है, पूर्व संस्कार के कारण हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर पाती कि ब्रह्म कैसे अद्वैत हो, मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ भाई, इसलिए मैं ब्रह्म हूँ कहने से पाप होता है, ऐसे भी लोग बोलने वाले मैं ब्रह्म हूँ कहने मात्र से पाप होता है, लेकिन वो तो ब्रह्म है भाई, वो तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, हाँ जैसे मान लीजिए क्योंकि प्रजा बोलेगा मैं राजा हूँ तो कहना दोष होता है, पहले तो उसका दंड लग जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए शिष्य है बोलेगा मैं गुरु हूँ तो दोष लगता है, मैं अमुक हूँ अमुक गुरु हूँ दोष लगेगा, इसी का मैं परमात्मा हूँ कहने से दोष लगता है, मैं कैसे परमात्मा हो सकता हूँ, लेकिन श्रद्धा तो है शास्त्र में, इसलिए संशय होता है कि ब्रह्मा अद्वैत है कि नहीं है, इसलिए क्या करना होगा आपको, मनन करना होगा, कैसे, युक्ति के द्वारा, शास्त्रीय युक्ति, ऐसे मनमानी युक्ति नहीं, शास्त्रीय युक्ति पहले बता दे, ये सब क्या है, वेद्य है, यद यद वेद्यम तत्तद मिथ्या, मतलब व्यवहारिक, नहीं तो ऐसे लोग बोलने वाले भी हैं, अरे भाई ये सब क्या है, सब ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इसलिए जो मैं बता रहा हूँ वही करो बस, हैं, जो कर्म करो उसको भी छोड़ दो, हैं, कोई स्वर्ग स्वर्ग नाम की कोई चीज़ नहीं है, हैं, प्लीज जाग भी ना करो, छोड़ दो उसको, ठीक है, बोलते गंगा स्नान करते वो भी छोड़ दो, क्यों स्नान गंगा स्नान करना, बाथरूम में स्नान करो,
गंगा स्नान क्यों करते? नहीं, गुरु जी कहते कि पुण्य होगा। अरे पुण्य भी तो मिथ्या है, गंगा स्नान भी क्यों करना है कि नहीं? ऐसे बोलने वाले हैं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो मंदिर जा रहे हो किसका दर्शन करने के लिए? भगवान का। अरे वो भी सब मिथ्या है, तो मंदिर जाना ही बंद हो गया, ऐसे नहीं बोलना है। ठीक है, ये सब क्या है? व्यवहारिक है ना? तो व्यवहारिक ये है, पारमार्थिक नहीं है। ठीक है, तो समस्त व्यवहारिक पदार्थों में एक पारमार्थिक सत्य है, ये तात्पर्य इसका, जानवे ना? इसलिए परंपरा से अध्ययन करना चाहिए। क्या है परंपरा? इसीलिए जो कर्मकांडी लोग हैं बहुत विचार करते हैं प्रमाण का, हाँ, लेकिन गुरु परंपरा से वो लोग नहीं करते हैं, है ना? इसलिए शास्त्र के तात्पर्य का निर्धारण उनको नहीं हो पाता है, ये दुराग्रह हो जाता है। ये दुराग्रह करने मात्र से तात्पर्य का निर्धारण होता नहीं है। ठीक है, अशास्त्रीय युक्ति मात्र से सत्य का निर्धारण होता नहीं है। नई सा तर्केण मतिरापन है, कैसा तर्क होना चाहिए? शास्त्रीय तर्क होना चाहिए। इसलिए पंचदशी ग्रंथ में आपको विचार करने के लिए, मनन करने के लिए बहुत शास्त्रीय युक्ति बताई जाएगी। इसलिए प्रकरण ग्रंथों में श्रेष्ठ ग्रंथ कोई है? कोई पंचदशी ग्रंथ, आपको बहुत उपाय बताया जाएगा। ठीक है, कुछ भी छोड़ा नहीं, सब लिख दिया है साधक के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं, किसके लिए? अपना कल्याण करने के लिए। पर एक एक प्रकरण पर्याप्त है यहाँ पर, यदि आप जीवन में उतारेंगे पंचदशी को, एक प्रकरण को आप जीवन में उतार लो, आपका कल्याण हो जाएगा। वो महान पुरुष थे स्वामी विद्यारण्य मुनि। चलो, इसलिए मनन करना होता है भी, युक्त्या संभावितत्व अनुसंधान, युक्ति के द्वारा संभावित का अनुसंधान करो। हाँ, ब्रह्मा अद्वैत हो सकता है, क्योंकि जो भी दृश्य होता है वो तो मिथ्या होता है ना? इसलिए मिथ्या का कोई विरोध नहीं होता है सत्य के साथ। तमाम प्रकार के चित्र दिखते हैं पर्दे में, लेकिन चित्र के साथ पर्दे का कोई संबंध नहीं होता है ना? ये विचार करना पड़ता है, ये सारा दृश्यमान जगत क्या है? ये तो दृश्य है। ठीक है, हाँ, ये मनन की, कब कब तक मनन करोगे? हैं, जब तक आपको निश्चय हो जाते कि ब्रह्मा अद्वैत है, तब तक करना होता है। श्रवण मनन पूर्वक ही आगे निध्यासन होता है ना? जो श्रवण मनन ठीक ठीक से नहीं करते हैं, मैं थोड़ा सुन लिया गुरु जी से, है तत्तम से, समझ में आया? हाँ गुरु जी, समझ में आया। तत् मतलब वह, अतः मतलब तुम, है कि नहीं? समझ में आया ना? हाँ गुरु जी, समझ में आ गया, यही तो महावाक्य। ठीक है, जाओ, ज्ञान हो गया बस। हाँ गुरु जी बोल दिया, हमको ज्ञान हो गया बस, अपने को तृप्त मान लेता है। हाँ, तृप्त नहीं है, अपने को तृप्त मान लिया तो तृप्त हो जाएगा? हाँ, क्यों भाई? आपको भूख लगी है और बोले नहीं मुझे भूख नहीं लगेगी, तो तृप्त हो जाओगे? साक्षात्कार होना चाहिए। इसलिए श्रवण ठीक ठीक से, मनन ठीक ठीक से जो नहीं करते हैं और ओम ब्रह्मास्मि इत्यादि कहते हैं, वो जप, उसको क्या बोलते हैं? जप। क्या बोलते हैं उसको? जप। वो ज्ञान नहीं है, वो जप हो सकता है, उपासना हो सकती है। उपासना के लिए भी विचार करना पड़ता है, ओम ग्रह उपासना, ध्यान में ना? वो जप कहा जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर श्रवण करो, श्रवण के बाद फिर मनन करो। तो मनन होने से जो है ब्रह्मा अद्वैत हो सकता है, इतना ज्ञान होता है, परिपक्व नहीं होता है। मेरा स्वरूप तो परब्रह्म ही है, ऐसा परिपक्व ज्ञान होता नहीं है। क्यों? अनादिकाल से आप जिस शरीर में जाते हो उस शरीर को मैं मान लेते, जैसे स्वप्न में अनुभव करो, देखो स्वप्न में जाते हो। ठीक है, आप जागृत में मान लीजिए माता नहीं है, और स्वप्न में जाती हो तो अपने को माता मान लेती हो, और तुम जागृत में माता हो और स्वप्न में जाती है तुम्हें माता नहीं हो, तो उसको तत्रूप मान लेते हैं। बिल्कुल, जिस शरीर में अहम
का व्यवहार करते हो, अहम का तादात्म्य करते हो, उसी को मैं मान लेते हो। पतला है और वहाँ पर मोटे हो गए, तो जो स्थूल शरीर में एकदम अहम बुद्धि करते हो, लेकिन जब तक देख रहे हो कितना दृढ़ है, बहुत दृढ़ है। एक जीवन को आप ले लो, एक ही जीवन को ले लो, आपको 40 साल का है आप, अथवा 50 साल के हो, शरीर आप तो नहीं है शरीर, हाँ ये 40 साल का शरीर हो गया, 40 साल तो बहुत दूर हो गया। हाँ 5 साल का बच्चा को ले लो, अपने को क्या मानता है, मैं पुरुष हूँ, माँ बता देती है ना, मैं पुरुष हूँ मानता है, मेल मेल, हाँ उसी को बोला रहे तुम फीमेल हो, वो छोटा सा बालक भी नहीं मानेगा, मैं कैसे फीमेल हूँ, तो मेल हूँ, हाँ मैं मनुष्य हूँ मान रहा है। देखो 5 साल का बच्चा अपने को क्या मान रहा है, मैं मनुष्य हूँ, तो 5 साल में कितना संस्कार हुआ है बोलो। उस बच्चों को गला भी पकड़ोगे, दवा दोगे दबाने के लिए, तब भी वो बोलेगा कि मैं मनुष्य हूँ। हाँ तुम नहीं बोलोगे, बोलो कि मैं पशु हूँ, नहीं बोलोगे तब गला दबा दूंगा। हाँ ठीक है, भले ही डर के मारे वो बोलेगा कि मैं पशु हूँ, लेकिन जानता है तो कि मैं कितना संस्कार है। देखो 5 साल में इतना संस्कार है, तो अनादिकाल से आपका शरीर आपको मिल रहा है, कितना संस्कार है, अनंत संस्कार होता है। लेकिन यह दृढ़ संस्कार है, कमजोर नहीं, दृढ़ संस्कार है। इसलिए हमारी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाती कि मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, ये संशय हो जाता है, जानते हैं ना, इसलिए मनन करना होता है। ठीक है, आज मनन से केवल संभावित ज्ञान कि ब्रह्मा अद्वैत हो सकता है, लेकिन मेरा स्वरूप तो ब्रह्म ही है, ये विपरीत भावना रहती है। मनन के बाद भी विपरीत भावना, देखो ये तो ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा अद्वैत है, लेकिन अहम बोलने से मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान नहीं हो पाता, आगे से इसको कहते हैं विपरीत भावना। तो विपरीत भावना की निवृत्ति निध्यासन से होती है। ठीक है, अब निध्यासन क्या है देखो, इदानीम निध्यासनम आह, देखो 54 नंबर, ताभ्याम निर्विचिकित्सेर्थे चेतसा स्थापितस्य यत एकतानत्वमेतद्धि निध्यासनमुच्यते। कहते हैं ताभ्याम निर्विचिकित्से अर्थे, ताभ्याम कहने से श्रवण के द्वारा और मनन के द्वारा, हैं श्रवण का अपने अनुष्ठान किया और मनन का अनुष्ठान किया, बार बार श्रवण किया और बार बार अपने मनन किया। बार बार श्रवण करने से क्या हुआ, आपको निश्चय हो गया कि वेदांत का तात्पर्य तो केवल अद्वैत ब्रह्म में है, हो गया। और मनन से आपको संभावित ज्ञान, हाँ ये ब्रह्म तो अद्वैत हो सकता है, द्वैत नहीं, ब्रह्म अद्वैत हो सकता है, क्योंकि सारा जगत मिथ्या है, धर्म है ना। हाँ ये मनन होगी, श्रवण के द्वारा मनन के द्वारा जो आपका जो वेदांत प्रतिपाद्य अर्थ, मतलब जीव ब्रह्म का एकत्व अद्वैत वस्तु, ये हो गया अर्थ। ये क्या हो गया, निर्विचिकित्से, निर्विचिकित्से अर्थे, सप्तमी एक वचन, विचिकित्सा बोलते हैं संशय को, विचिकित्सा संशय को, और संशय जिस अर्थ से संशय हट गया उसको बोल देंगे निर्विचिकित्सा, निर्गता विचिकित्सा यस्मात अर्था, अर्थात जिस अर्थ से, मतलब जिस विषय से, वेदांत के प्रतिपाद्य विषय से पहले आपको संशय था, वो संशय चला गया, वो संशय आपको चला गया, तो आपका अर्थ कैसा हुआ, अद्वैत ब्रह्म, निर्विघ्न, मतलब असंदिग्ध, कोई संदेह और रहा नहीं। ठीक है भाई, हाँ जब आपकी बुद्धि में ये निर्धारित हो गया कि ब्रह्म तो अद्वैत है, ठीक है, निर्धारित हो गया,
कैसे निर्धारित किया? बुद्धि से किया, श्रवण मनन निध्यासन श्रवण मनन रूपी साधन के द्वारा आपकी बुद्धि में निश्चय हो गया कि ब्रह्म तो कैसा है, अद्वैत है। फिर क्या करना चाहिए? बस उस बुद्धि में वो क्या कर दो, स्थापित कर दो। बस बुद्धि में स्थापित करना, बुद्धि तो ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म तो अद्वैत ही है। बस ये बस उसके धारा चलाओ, बस क्या करो, धारा चलो, ब्रह्म तो अद्वैत ही है, ब्रह्म तो अद्वैत ही है, सर्वत्र सर्वदा जहाँ जहाँ पर आपकी दृष्टि जा रही है वहाँ पर भी निश्चय करो को अधिष्ठान तो अद्वैत है। विचार करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए वेदांत की साधना हमेशा होगी, है ना। ये कह रहे हो एक चेतस स्थापित यत, है ना, तो चित्त को आपने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया उसी में, है ना, तो उसको फिर क्या करना चाहिए, एक तानत्वम, मतलब एक तानत्व, एक धारा लगातार उसका प्रभाव, लगातार उसका प्रभाव चलाते रहो, समझ में ना। हाँ, कैसा प्रभाव चलेंगे, ब्रह्म तो अद्वित है, वही मेरा स्वरूप है, वही मेरा भाषा में ऐसा विचार करना होगा। क्यों? मेरा कोई शरीर से संबंध नहीं है, ना मन से संबंध नहीं ना है, ना इंद्रिय से संबंध है, मैं तो उसका साक्षी हूँ और मेरा स्वरूप ब्रह्म है। ये लगातार वृत्ति का प्रभाव क्या है, लगातार एक बार वृत्ति हो गई, इसलिए वृत्ति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करो, है ना। श्रवण मनन से यदि आपका संशय हट गया तो आपके बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति होने लगेगी। श्रवण मनन के बिना ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती, एक बार वृत्ति हो गई उस वृत्ति का प्रभाव चलाते रहो, ठीक है ना। इसलिए बोलते एक तानत्वम एतत्, देखिए एक तानता जो हुई, लगातार का जो प्रभाव, एक तान का अर्थ मतलब क्या, एक वृत्ति का प्रभाव, ठीक है। तो बोलते हैं ये तो जिस समय पंचोदशी पढ़ते हैं उस समय तो हो सकता है, क्या जिसे वेदांत को सुनते हैं उसमें तो हो सकता है भैया, जिसमें लड्डू खाते हैं उसमें कैसे होगा, लड्डू खाते जिससे वो लड्डू खाते हो, चाय पीते हो, है कि नहीं, उसमें ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी। बोलते हैं उसमें ब्रह्माकार वृत्ति हो सकती है, बस नहीं, हाँ कैसे हो सकती है, जैसे भगवान ने कहा ना यहाँ पर, तस्मात कालेषु तस्मात सर्वेषु कालेषु, गीता में क्या कहा, हाँ माम अनुस्मरत युध्यच, भगवान ने क्या कहा, तस्मात सर्वेषु कालेषु, सभी कालों में मेरा तुम स्मरण कर सकते हो। स्मरण करने के लिए कहा, क्या करने के लिए कहा, स्मरण करने के लिए। स्मरण कैसे होगा, पहले श्रवण मनन के द्वारा आप निश्चय कर लो, है कि नहीं। कैसे निश्चय करेंगे, देखो विचार करना पड़ेगा ना, कैसे विचार करेंगे, जैसे हम घटो अस्ति पटो अस्ति मठो अस्ति बोलते हो, व्यवहार करते हो ना, तो जिस समय आप व्यवहार में भी आपको निध्यासन करना, कैसे निध्यासन करेंगे, ठीक है ना, जिस समय बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं उस समय तो ठीक है, जिस समय व्यवहार करते हो उस समय आपको निध्यासन करना होगा, ठीक है, लगातार ब्रह्माकार वृत्ति का प्रभाव आपको चलाना होगा, तो व्यवहार में भी आपको करना होगा, तो कैसे करेंगे ये प्रश्न उठता है, ठीक है। तो जिस समय आप घट को देखते हो तो घटाकार वृत्ति होगी कि नहीं होगी, बोलो, घटाकार वृत्ति होगी ना, घट का ज्ञान हुआ तो घटाकार वृत्ति हुई, तो जिस समय घटाकार वृत्ति होगी उस समय ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी, शंका ही हुई ना। जिस समय घट को देखेंगे तो घट का ज्ञान हुआ तो आपके मन में तो घटाकार वृत्ति हुई कि नहीं, तो जिस समय घटाकार वृत्ति होती है उसमें ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी, तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी तो किसका प्रभाव करोगे, फिर घट का प्रभाव करोगे, घटाकार वृत्ति का प्रभाव,
प्रश्न तो ये उठता है ना, जिसमें ध्यान में बैठे हो उसमें तो ब्रह्माकार वृत्ति तो हो सकती है, लेकिन व्यवहार जब हम जाते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है मरीज आएगा, तो मरीज आएगा तो डॉक्टर मरीज को देखेगी कि नहीं, तो कौन सी वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति होगी कि मरीज आकार वृत्ति हो, रोगाकार रोगीकार वृत्ति होगी, बताओ है। ये कोरोना इंजेक्शन लगाएगी तो कौन सी वृत्ति होगी, उसकी वृत्ति होगी, ब्रह्माकार वृत्ति कैसे होगी, प्रश्न ये उठता है। तो इस समय आपको विचार करना, यही तो यही परीक्षा है, ये ठीक ठीक से आपने श्रवण मनन किया है तब जाकर ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो मनन मतलब यही ना है, जो जो दृश्य होता है ठीक है वो क्या है, मिथ्या है, क्या है समझ में आया कुछ है ना, वो मिथ्या है। जैसे घट को आप देख रहे हो, आयाम घट तो घटाकार वृत्ति हुई, वृत्ति है कि नहीं है, तो दृश्य कौन है, घट हो गया दृश्य ठीक है, वो घट को कौन प्रकाशित कर रहा है, आप प्रकाशित कर रहे हो, कौन कर रहा है, तो आप हो गए दृक्, क्या हो गए दृक, वो हो गया दृश्य, क्या हो गया। इतना नहीं समझ में आता है तो और एक दृष्टांत देते हैं, अभ्यास आपको करना है ना, जैसे मान लीजिए कि चीनी से ठीक ठीक से समझो, निध्यासन आपका होगा नहीं, आप शास्त्र को समझ लेंगे तब भी आपकी बुद्धि में निध्यासन नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा और आपको अभ्यास करना पड़ेगा, इसी में गाड़ी अटकती है ठीक है। श्रवण को आपने समझ लिया, मनन को समझ लिया, तो निध्यासन को भी समझ लिया, लेकिन आप अभ्यास कैसे करेंगे उसका, गाड़ी इसमें अटकती है तन्मया, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते हैं लोग हैं। तो ये करना आपको दृष्टांत से, जैसे आप दीपावली के समय ना, जैसे चीनी से बनी हुई रहती है खिलौने, भगवान की मूर्ति भी बनती है, काशी में बहुत सारी मूर्ति होती है, जैसे चीनी से बनी हुई गणेश की मूर्ति है ठीक है, और चीनी से बनी हुई चूहे की मूर्ति है बाहर, और बालक गया उसके पास हलवाई के पास दुकान वाले के पास, तो बोल दिया हमको दो ठो गणेश दे दो, कितने दो ठो गणेश दे दिए ठीक है, तो दे दिया, बोला वाहन भी चाहिए दो ठो, दो गणेश के लिए दो वाहन, बच्चा ना है ठीक है, कितना हुआ, बोलते इसका 50 रुपये है गणेश का और चूहे का है 50 रुपये है ठीक है, ये एक पाव का है, ये एक पाव का है, लेकिन तो 50-50 कितना हो गया, 100 हो गया। तो बालक ने कहा भाई ये कैसे हुआ, भाई वो तो गणेश भगवान है, ये तो चूहा है, दोनों का सौ कैसे हुआ, एक ही रेट कैसे हुआ। तो उसने कहा कि ये एक पाव का है, वो भी एक पाव का है ठीक है, तो एक हो गया दो पाव, तो फिर 50-100 रुपये हो गया। अब विचार ये करना है, तो वो जो हलवाई जो बेचता है मूर्ति बेचता है, हाँ उनको चीनी का ज्ञान भी है और हाँ और गणेश और चूहे का ज्ञान भी है, नाम रूप का ज्ञान भी है, ये समझ लो ठीक है। तो नाम रूप नाम अलग अलग है, क्या है, ये गणेश है ये चूहा है, नाम अलग अलग है नहीं, और रूप भी अलग अलग है, नाम में भेद है रूप में भेद है, इसको कहते हैं द्वैत ज्ञान, क्या बोलेंगे, तो उनको द्वैत ज्ञान है हलवाई को, द्वैत ज्ञान यदि ना होता तो व्यवहार कैसे करेगा, यहाँ गणेश मांगने से गणेश देता है और चूहा मांगने से चूहा देता है, इसका मतलब द्वैत ज्ञान है उनको, इसको हलवाई को, और बच्चे को भी है, ध्यान में रखो दोनों को है, बच्चे को भी है और हलवाई को भी है, लेकिन दोनों में ये और एक ज्ञान में अंतर है, हलवाई को चीनी का ज्ञान भी है, ये भी चीनी से बनी है ये भी चीनी से बनी है, और चीनी एक ही है, ये भी एक पाव की है चीनी और ये भी एक पाव की है, उनको चीनी का ज्ञान है, और चीनी का ज्ञान है अद्वैत ज्ञान, दोनों में चीनी तो है भाई, क्या अंतर है, चीनी में कोई अंतर नहीं होता है ऐसे में, तो उनको दो ज्ञान है देखो, एक अद्वैत ज्ञान और एक द्वैत ज्ञान, लोग यही शंका करते ना, अरे वेदांत का साधक यदि निरंतर निध्यासन करेगा तो व्यवहार कैसे होगा,
शंका ही ना करते हैं भाई। अरे वेदांती लोग सब खाते हैं पीते हैं, बोलते हैं निध्यासन करते हैं, ये कैसे होगा? जिसमें व्यवहार नहीं करते हो उसमें तो निध्यासन तो हो सकता है, लेकिन जिसमें व्यवहार करते हो निध्यासन कैसे होगा? ये उपवास करते हैं लोग, वेदवादी लोग वेदांति से उपवास करते हैं। लेकिन वेदांति में क्या दृष्टि है, है ना? वो तो वेदांति ही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता है। शरीर को देख करके अनुमान नहीं कर सकते आप कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है। ज्ञानी है, ज्ञानी भले ही ज्ञानी को जानता है, अज्ञानी ज्ञानी को नहीं जान सकता है। शिष्य अपने गुरु को कभी पहचान नहीं सकता, ठीक है? दृष्टांत समझ लो, तो हलवाई को चीनी का ज्ञान है, चीनी है अद्वैत, चीनी में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है? लेकिन व्यवहार कैसे करता है, एक चीनी के अद्वैत ज्ञान से, है ना, तो द्वैत ज्ञान बाधित होता है उनका। कैसा होता है? हाँ, वहाँ पर अद्वैत ज्ञान से द्वैत ज्ञान बाधित हो जाता है, समझा कि नहीं? इसलिए नाम और रूप ये चीनी से भिन्न है ही नहीं, इसलिए चाहे गणेश की मूर्ति ले लो चाहे क्या है, कीमत है तो चीनी है बस, आप समझेंगे? इसलिए व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो एक चीनी को एक मान करके सारा व्यवहार करता है बस, इसलिए पचास पचास हो गए, सौ हो गए। लेकिन दो वृत्ति है कि नहीं, एक अद्वैत वृत्ति है और एक द्वैत वृत्ति, दो प्रकार वृत्ति होती है व्यवहार में, ठीक है? तो नाम रूप है द्वैत, इसलिए द्वैताकार एक वृत्ति हो रही है, नाम रूपाकार एक वृत्ति हो रही है, गणेश है और एक चूहा है, और एक चीनी आकार वृत्ति होती है, दो वृत्ति है कि नहीं? लेकिन चीनी आकार वृत्ति से हैं वो नाम रूपाकार वृत्ति द्वैताकार वृत्ति बाधित हो जाएगी। दूसरा दृष्टांत है, इसे व्यवहारिक सत्ता को लिया, प्रातिभाषिक सत्ता को लेकर व्यवहार है। जैसे पहले भी कई सार बताया, प्लास्टिक है, प्लास्टिक प्लास्टिक से बना हुआ सर्प है, क्या है? प्लास्टिक से बना हुआ सर्प है, ठीक है? ये सर्प एक नाम आ गया, देखो ये सर्प है, बड़ा है, काला है, मोटा है कि नहीं, लंबा है, रूप भी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? हाँ, वो नाम रूप हो गया ना भैया। अच्छा, लेकिन जो डराने वाला होता है वो डराता है ना, हाँ, जैसे बड़ा व्यक्ति छोटे को डराता है पहले, है कि नहीं? हाँ, ये देखो सांप इतना, वो डर जाता है, हाँ, वो समझ गया, तो जो बच्चा समझ गया तो वो भी डराता है दूसरे को, दादी माँ के पास जा कर के दादी माँ को डराता है, वो छोटा सा पोता, दादी माँ सांप सांप है, तो सांप सांप है व्यवहार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, व्यवहार तो कर रहा है ना तो व्यवहार करने पर भी जानता है कि सर्प का नाम सर्प का रूप मिथ्या है, लेकिन सर्पाकार वृत्ति हो रही कि नहीं? क्या सर्पाकार वृत्ति तो हो रही है, लेकिन व्यवहार कैसे करेगा नहीं तो, है कि नहीं? लेकिन जानता है कि ये प्लास्टिक है, क्या है? जानता है कि ये दो वृत्ति है कि नहीं बालक में, क्या एक प्लास्टिक आकार वृत्ति है और एक सर्पाकार वृत्ति है, लेकिन प्लास्टिक आकार वृत्ति रूपी ज्ञान से सर्पाकार वृत्ति क्या है उनकी बुद्धि में बाधित है, क्या है? अब बाधित है, बात करके व्यवहार करता है, लेकिन वो जानता है प्लास्टिक सत्य, व्यवहार में प्लास्टिक सत्य है, सर्प नाम रूप क्या है, तो बालक छोटा सा बालक भी जानता है, आप समझना, ये व्यवहार समझना है ना, ठीक? इस व्यवहार से आपको व्यवहार करते समय ये अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? जितने में नाम रूप दिखाई दे रहा है साक्षी से वो मिथ्या है, क्या है? तो मिथ्या बोलने से नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा ये मनन के द्वारा। पहले मनन बता दिया ना, श्रवण करो मनन करो, जितना मनन करोगे उतना आप निध्यासन कर पाए, नहीं तो निध्यासन होगा नहीं तो आपको कहानी मात्र लगेगा, तो ये कैसे हो सकता है? लेकिन हो सकता है, मनन करोगे तब होगा ना, नहीं तो मनन नहीं करोगे तो कैसे होगा, क्यों भाई? जैसे मान लीजिए गुड़ गुड़ मीठा होता है बस, हाँ, गुड़ मीठा का अनुभव कब हो, खाओगे तब तो होगा ना, कल याद करने से थोड़ी होगा, गुड़ मीठा है बस याद कर लिया, इस पर आपको मनन करेंगे तब निध्यासन में पहुँचोगे, तो ये अभ्यास करो, ठीक है? जिस समय आप घट को देखते हो तो घट दृश्य हो गया,
ठीक है ना। तो घट जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो सत्य है, इसलिए मैं ही सत्य हूँ। क्या है? मैं ही सत्य हूँ, बात समझ? ठीक है। और घट को सत्ता जो दे रहा है, जैसे घटो अस्थि बोलते हो ना, घटो अस्थि, पटो अस्थि, मोटो अस्थि, सर्वत्र अस्थि 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 अंश है। इसको लेना है तत्पदार्थ। क्या लेना है? तत्पदार्थ। जैसे तत्त्वमसि में कहा तत्पदार्थ, अस्थि अंश सत्य है और घट अंश क्या है? मिथ्या है। घट का नाम, घट का रूप वो मिथ्या है, उसको बात करके अस्थि अंश में पहुंचना है। तो एक अस्थिकार वृत्ति होगी, एक घटाकार वृत्ति होगी, लेकिन घट मिथ्या है, अस्थि अंश सत्य है। ठीक है। आ वही मेरा स्वरूप है। कौन? घटो अस्थि पटो अस्थि है ना, जो अस्थि अस्थि है कहते हो ना हिंदी में, है घट है वही, तो वो मैं ही हूँ। हाँ, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति। क्या है? हाँ देखो, जैसे यहाँ पर सर्प कह दिया, सर्प है ही नहीं, तो कौन है वहाँ पर? कौन है? प्लास्टिक ही है। क्या है? तो एक वृत्ति हुई कि नहीं? वो सत्य है। आप समझ में कि नहीं है? ठीक है। इसमें व्यवहार जब करते हो, हाँ घट का व्यवहार करते हो, वो अस्थि अंश वही मेरा स्वरूप है, हाँ वो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। आगे समझ में? और चक्षु, चक्षु का ही भान हो रहा है। देखो इधर जब आओगे ना, चक्षु से मैं देख रहा हूँ, चक्षुषा अहम घटम जानामि, तो चक्षु भी दृश्य है। क्या है? चक्षु भी है। घटम चक्षुषा अहम घटम जानामि, विचार करना पड़ेगा। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, क्या समय? ज्ञात चिदाभास, ज्ञाता कहने चिदाभास। ठीक है। ये तीनों के तीनों दृश्य, आप तीनों को जानते हो। किसको? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, तीनों को आप जानते हो। आप ही सत्य हो, आपकी क्या हो? है ना। तो तीनों को जो प्रकाशित कर रहा है ना, वही मैं हूँ। बस एक वृत्ति होगी, बस है ना, ब्रह्माकार वृत्ति होगी, हो गया ना। और बाकी सब क्या हो जाएगी? मिथ्या है ना। मिथ्या का अतिरिक्त अस्तित्व अधिष्ठान से नहीं होता है। ये सर्प का अलग अस्तित्व जैसे प्लास्टिक से नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार जितने भी दृश्यमान जगत है उसका अस्तित्व अतिरिक्त अधिष्ठान से नहीं होता है। पहले आपको मनन करना पड़ेगा। क्या होगा? मनन। दृश्य मिथ्या है, अधिक सत्य है, अधिष्ठान सत्य है, अध्यस्त मिथ्या है। ये पहले ये मनन होता है, ठीक है। तब जा करके ब्रह्माकार वृत्ति होगी। इसका नाम हो गया निधिध्यासन, ठीक है। तो मनन के द्वारा जब निश्चय हो गया कि अधिष्ठान ही सत्य है और वही मेरा स्वरूप है कि नहीं, तब जा करके आपकी बुद्धि में ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। तो व्यवहार के समय भी ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास हो सकता है, हो सकता है, लेकिन प्रक्रिया से करेंगे तो होगा, ठीक है। श्रवण मनन पूर्वक, ठीक है भाई, ऐसा होता है। इसलिए उत्तम तो अध्ययन यही होता है। हाँ बताएंगे, ध्यान निध्यासन में, ये टीका में भी आ रही है, बताएंगे। और ध्यान क्या होता है ना, बिना श्रवण मनन के द्वारा भी ध्यान हो सकता है, ठीक है। ये योग सूत्र में जो कहा गया, तत्र प्रत्यय एकता ताधानम, है कि नहीं। अरे जैसे हमने कोई चित्र रख दिया, भगवान कृष्ण का रख दिया चित्र, बस बुद्धि मन लगा उसमें, ये हो गया ध्यान हो गया। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं है, वेदांत में है ना श्रवण मनन पूर्वक ही निध्यासन किया जाएगा। और ध्यान में ऐसा नहीं है, हाँ बिना श्रवण मनन से जहाँ पर आपकी श्रद्धा हो गई उसका कर लो, उसमें बुद्धि लगा दो। जैसे बिंदु रख दिया दीवार में, बस उसका ध्यान कर लो, ओके। लेकिन वेदांत में ऐसा नहीं होता, नहीं ध्यान सर, श्रवण मनन पूर्वक ही किया जाएगा, है इतना अंतर है। चलो टीका देखिए। ताभ्याम श्रवण मननाभ्याम, ताभ्याम का अर्थ श्रवण मनन के द्वारा निर्विचिकित्से, मतलब क्या है? निर्गता विचिकित्सा संशयो,
चिकित्सा का अर्थ क्या संशय, आपको पहले संशय हो रहा था भाई ब्रह्म कैसे होगा, अद्वित सारा संसार दिखाई दे रहा है, तो आपने मनन कर दिया, श्रवण पूर्वक मनन किया। मनन करेंगे तो संशय चला जाएगा, संशय चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रह्म को कहा जाएगा निर्विचिकित्सा, संशय रहा नहीं, ठीक है। तस्मिन अर्थे विषय, हाँ उस विषय में, समझ में आ रहा है, हाँ इतना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी असंभव भी नहीं है, आसान भी नहीं है और असंभव भी नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव होता है, अभ्यास करने पर संभव होता है, ठीक है नहीं, ऐसा कहा, इसलिए अभ्यास है ना तो कौन तेरे, अभ्यास आपको करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, हाँ इसलिए अभ्यास वैराग्याभ्याम तम निरोधा, जो सूत्र करते अभ्यास करो और उससे पहले क्या होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य के बिना तो कुछ होता नहीं है, संसार का हमको भोग भी चाहिए और हमको वेदांत से ज्ञान भी चाहिए, ये नहीं होता है, हाँ आपको पहले वैराग्य होना, हमको तो ज्ञान ही चाहिए, तब जाकर अभ्यास कर सकते हो। चलो तस्मिन अर्थे विषये हैं स्थापितस्य, मतलब क्या धारणावतः चेतस, एक धारणा होती है भैया, जो सूत्र में धारणा धारणा बोलते हैं, धारणा क्या धारणा, देखो देशबंधश्चित्तस्य धारणा, आपकी टीका में जो है ना देश संबंध ऐसा लिखा होगा, होना चाहिए देशबंधश्चित्तस्य धारणा, ऐसे ही योग सूत्र है भाई, हैं इति पतंजलिना उक्तत्वात्, महर्षि पतंजलि है भगवान शेषनाग का अवतार मानते हैं, पतंजलि को शेषनाग भगवान का अवतार मानते हैं कुछ लोग, हो सकता है ना, तो कोई के तो कहते हैं कि एक ही है पतंजलि, महर्षि पतंजलि एक ही है, हाँ उसने योग के ऊपर योग सूत्र लिख दिया, ठीक है ना, और व्याकरण के ऊपर महाभाष्य भी लिख दिया, ऐसा मानते हैं, इसलिए एक ही महर्षि पतंजलि है, हाँ और आयुर्वेद के ऊपर भी कुछ लिखा है, आयुर्वेद के ऊपर एक ही है पतंजलि, एक ही पतंजलि ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए तीनों होना चाहिए कि नहीं, शरीर स्वस्थ भी होना चाहिए, आयुर्वेद चाहिए और मन एकाग्र होना चाहिए, इसलिए योग भी चाहिए, है कि नहीं, और व्याकरण ज्ञान के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए व्याकरण भी चाहिए, ठीक है। वो योग सूत्रकार कहते हैं देशबंध चित्तस्य धारणा, देखो देशबंध, देशे बंध, देशबंध किसी देश में किसी चीज में, हाँ बंधा मतलब लगाना, मन को लगाना, मन बाहर जो दौड़ रहा था, मन बाहर दौड़ रहा था, उस मन को बाहर से हटा करके किसी अनुकूल वस्तु में लगाओ जो आपके लिए अभिष्ट हो, जो आपके लिए पहले सगुण ही क्यों ना हो तो मन तो लगाओ कम से कम, ये होता है धारणा, देशबंध चित्त से धारणा, ये चित्त को किसी अनुकूल देश में लगाना है कि नहीं, इसको कहते हैं धारणा, ठीक है। धारणा के बाद फिर ध्यान होता है, पहले धारणा होते पहले मन को लगाना होता है, फिर मन में उसी प्रवाह को चलाना पड़ता है ना। तो आगे कह रहे हैं देखो पतंजलि ना उक्त्वात् एकतारत्व, मतलब क्या है भाई, एकाकार वृत्ति प्रभावत्तम, ये चित्त में एकाकार वृत्ति का प्रभाव हो बस, हाँ जैसे भगवान कृष्ण में लगा दिया फिर कृष्णाकार वृत्ति हो बस, और संसार की वृत्ति ना हो, इसी का नाम ध्यान होता है, इसी का नाम क्या है, ध्यान होता है, ठीक है। तो आगे लिखे लेकिन अब ये पूछे थे ना, ये शुक्ला जी ध्यान और निध्यासन में क्या अंतर, तो वहाँ पर तो कोई विचार नहीं करना पड़ता है, बस भगवान कृष्ण में लगा दो, कहीं पुष्प में लगा दो, कहीं भी लगा दो, कहीं पुष्प सत्य है कि मिथ्या है, ये कुछ विचार नहीं करना, बस लगा देना मन को, ये तो ध्यान हो सकता है, लेकिन वेदांत का निध्यासन ऐसा नहीं होता है, ठीक नहीं। जिसका निध्यासन करना है पहला उसको शास्त्र से विचार करो,
लिए श्रवण कह दिया कि शास्त्र का तात्पर्य किस में है। ठीक है, फिर क्या करना चाहिए, मनन भी करना होता है। फिर ब्रह्म तो अद्वितीय है, ठीक है, आपको निश्चय हो गया ब्रह्म तो अद्वित है, फिर मन को फिर उसमें लगाओ अद्वित ब्रह्म, तो ब्रह्माकार वृत्ति हो जाएगी। अंतर है दोनों में, ध्यान और निध्यासन में, मतलब निध्यासन तो है ध्यान, लेकिन सभी ध्यान को निध्यासन नहीं कहा जाएगा, ये ध्यान में रखो, ध्यान 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 को ध्यान में रखो, ठीक है, है ना। निध्यासन भी ध्यान है, लेकिन सभी ध्यान को निध्यासन नहीं कहा जाएगा। फिर किसको, किस ध्यान को कहोगे, श्रवण मनन पूर्वक जो आपका विषय निर्धारित हो गया ब्रह्म अद्वित है ना, वो ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति यदि आपकी बुद्धि में होगी, ठीक है, तब उसको कहेंगे निध्यासन। अंतर है ना, ऐसा बोलते हैं, ये तो निध्यासनम उच्चते, इसी का नाम है निध्यासनम, है ना। के ही श्लोक में आया ना, देखो एक तानत्वम एतद ही का मतलब प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है भाई, योग सूत्रकार ने कहा योग शास्त्रे तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। देखो तत्र मतलब क्या है, जहाँ पर आपकी बुद्धि लग गई, है ना, जिस वस्तु में आपकी बुद्धि लग गई, आपने लगा दिया, हो गया ना, उस वस्तु के विषय में प्रत्यय मतलब वृत्ति, जैसे भगवान कृष्ण में बुद्धि लगा दिया, बस कृष्णाकार वृत्ति हो, बस संसार की वृत्ति न हो, बस में इसमें आँख बंद करते वहाँ पर तो संभव है, लेकिन व्यवहार में कैसे, वही आपको दृष्टांत बता दिया, चीनी का दृष्टांत, चीनी सत्य है, नाम रूप उसके ऐसे में पहले घटो अस्थि पटो अस्थि, जो व्यवहार आप करते हो अस्थि अंश सत्य है और घटादि अंश है ना, तो अस्थि जो है अंश है उसमें है, वो उसमें अद्वित वृत्ति होगी, क्या होगी, हाँ वही ब्रह्म, वही अपना स्वरूप है, घट घट पटादि ये बाधित, तो घट पटादि जो दृश्य होंगे उसको बात करके जो अस्थि अंश रहेगा, बस उसमें लगाओ मन को, बस समय, ठीक है, ये अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हो गया देखो तत्र प्रत्यय एकतनता ध्यानम, ये मतलब ये ध्यान प्रसिद्ध है, ध्यान होता है, ध्यान एक साधन है, ठीक है, और उसको श्रवण मनन पूर्वक करेंगे तो निध्यासन भी संभव है, ये बता दें। ठीक है, आगे एक बता जाएगा, निध्यासन करते जाओगे करते जाओगे, हाँ जी, हाँ ऐसा है, ऐसा करिए आप, हाँ इको हो रहा है, आप ऐसा करिए भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, उसका व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, उसको मैं कल बताऊंगा, आज इतने में रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।